हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन का वीडियो। वीडियो शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर और बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। इसका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को व नागासाकी 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, 1962 में। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 14 नवंबर 1962 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में बाल कल्याण को प्रोत्साहित करना है। वह यह संस्था यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? इसका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, म्यांमार अर्थात बर्मा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षेस यानी सार्क की स्थापना बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान के प्रयासों से 8 दिसंबर 1885 को इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल और अफगानिस्तान है। म्यांमार इस संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, गोदावरी नदी। प्रश्न में दी गई चारों नदियों प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी प्रवाही नदियां हैं। इनमें सर्वाधिक लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर, इसके बाद क्रमशः कृष्णा 1400, महानदी 857 किलोमीटर एवं कावेरी 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी की आयु के परिकलन में चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता एवं अवसादन की दर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के आकर्षण बल का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अर्थात डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अर्थात डेथ वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट, मियान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, फिलीपींस में। मियान ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजन आइलैंड पर अल्बे प्रोविंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत को अभ्रक के उत्पादन में विश्व के लगभग एकाधिकार है। विश्व का 75 से 80% अभ्रक भारत में ही निकाला जाता है। देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग झारखंड व गया व मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, नाथ साहित्य का संबंध है? इसका आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय के संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इसका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। इसके पश्चात 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है? इसका आंसर है नक्षत्र मंडल का। बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। यह नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एक सिद्धांत है। नेक्स्ट,
पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका आंसर है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसका आंसर है एक नंबर ऑप्शन, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की अवधि लगभग 24 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार खालिस्तान जाता है। इसका आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, समान रहता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है तथा प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है। इसका आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है। यह 24 घंटे के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन, विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, इसी कारण 21 मार्च को और 23 दिसंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है। अंटार्कटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित अर्थात कटीफटी है। यह अनियमित एवं तंदुरुस्त तटरेखा प्राकृतिक पोटेशियम में पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से। इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से ये भिन्न करता है। उत्पादों की ब्रांडिंग करके बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से उसे अलग किया जाता है, इससे उसकी पहचान सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसका आंसर है चार नंबर ऑप्शन, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत की अंतरात्मा कहा सॉरी संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करते समय जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन, दो सदस्य है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। यह भगवान शिव को पूजने वाला पंथ है, जिनको जगन्नाथ का नाम दिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र बलि आदि पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त पेचिस हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। इसका आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। दूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं दस्त पैचिस और हैजा। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर दस्त पैचिस हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ये सभी बीमारियां दूषित जल के सेवन से होती हैं। नेक्स्ट, सरकार व इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह। इसका आंसर है चार नंबर ऑप्शन, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की ओर ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक सुंदर सॉरी अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। इसका आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, टेलीविजन। टेलीविजन एक ऐसा कारक है जो विद्यार्थियों व किशोर किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इससे समाज विज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। इसके माध्यम से समाज विज्ञानियों की संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। इसका आंसर है दो नंबर ऑप्शन, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को
अलग अलग परियोजना देना। सामाजिक विज्ञान कक्षा के शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि नए विषयों पर सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना देना तथा उन विषयों पर पहले से कोई चर्चा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल के युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया। सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसके ऑप्शन में आपको बताती हूँ, एक गौण स्रोत, दो प्राथमिक स्रोत, तीन वास्तविक बयान करने वाले और चार आंतरिक स्रोत। तो ये था हमारा टेट से संबंधित सामाजिक अध्ययन का वीडियो, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कोई भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो आप कमेंट जरूर दें। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।